कि आपने बहुत सारे एक्टर को देखा होगा ना, बहुत स्लिम होता है उनका फेस और ये जॉ लाइन उनका काफी टाइट होता है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि दे डू अ फेस एक्सरसाइज। देखिए मैंने अभी मम्मी के लिए कॉफी बनाया और अपने लिए कॉफी बनाया है, दोनों कॉफी ठंडा हो रहा है और मम्मी जो है वो वहां पे अपना काम कर रही है, उसको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो आए और मेरे साथ कॉफी पिए। दिस इज वेरी बैड मॉम। चलो उस रूम में चलो, अभी यहाँ पे चंदन मम्मी का इंस्ट्रक्शन मिला है हमें कि आप लोग अपने रूम में जाइए, तो मैं डर गया चंदन मम्मी से और मैं जा रहा हूँ उस रूम में। दोनों कॉफी को मैं उठा सकता हूँ या नहीं देखता हूँ। अरे वाह क्या बात है, और इसको मैं आराम से रखूंगा अपने इस टेबल पे। हाँ बैठो वहाँ, आओ तुम्हारे साथ मैं चीयर्स करता हूँ। बोलो चीयर्स। नाउ आई थिंक आई एम द वेरी प्रोफेशनल इन दिस कॉफी इंडस्ट्री। सो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज देखिए इस समय 12:15 हो रहे हैं, मैं आज आपको बताऊं कि आज मैंने कुछ अलग सोचा है आप लोगों को बताने के लिए। मैं एक्टिंग फील्ड से हूं ये आप सब जानते हैं, और एक्टिंग फील्ड में बॉडी एक्सरसाइज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके एक्सरसाइज किए जाते, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को आज मैं बताऊंगा फेस एक्सरसाइज कैसे करते हैं। आपने देखा है जितने भी एक्टर होते हैं सब ऑलवेज यंग क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ फेस एक्सरसाइज। जिस तरह से इंसान बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए मस्त जिम जाता है, रनिंग करता है, उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपके वॉइस, आपके दिमाग मतलब माइंड, आपका फेस, इन सब चीजों का भी एक्सरसाइज होता है। तो लेकिन अभी मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, तो उस काम को मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस अभी मेरे और भाभी में हाथ रेसलिंग होगा और देखते हैं, मैंने चैलेंज किया है कि 15 सेकंड मैक्स। कोई बात नहीं, तो तुम सपोर्ट ले सकती हो। अभी इतना ही तुमको जितना कंफर्टेबल होना हो सकती है। 15 सेकंड पर ऐसे ही लगाते हैं पंखा। तुझे अभी ऐसे ताकत मत लगाना, नहीं तो हार जाओगी। हाँ दिख तो रहा है अब इसको सही में। तुमको एहसास होने लगता है कि ताकत है भाई, हाथ पकड़ने के बाद इसको पता चल रहा है। एक पुलिस वाले और एक सिविलियन के बीच में देखिए। दस टाटा, बाय बाय। 11 और कितना सा? 12 और कितना सा? 13 14 15 एंड द विनर इज पूजा कुमारी। 15 सेकंड तक टिक गए। पागल है क्या? लेकिन ये हाथ में इसका दम है, ताकत है। अब उसको ही समझ आ गया कि तुमको टिका सकती है। अच्छा मतलब इतना देर में उसको ही पता चल गया कि हाथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस जबकि मेरा लेफ्ट हैंड कमजोर है। ओ ये बता रहा है। पहले अपने हाथ में हारने का खौफ, तो पहले ही बोला कि अगर हार उड़ गया तो बोलेंगे कि हाथ में दर्द। चलो शुरू करो। हारने का खौफ और जीतने की खुशी, इसके बीच में जो टेंशन वाला वक्त होता है कमाल का। अरे 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 अब तो बहुत ताकत है। 1 2 3 रेडी गो। तुमने मेरा खून का बदला ले लिया। नहीं मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत ताकत है। ये गलत बात है। मैंने सिर्फ छुआ था। कमान भाभी लेकिन जीत और हार के अगर पैरामीटर पे देखा जाए तो हम दोनों से ये जीत गई। काहे हो लहरिया कट काहे चलाते हो रे ओ बाबू? अरे लहरिया कट काहे हो? ना मारिया तो अपने दहरिया बन जाइएगा भाई। हाथ हिला, पीछे भाई है, इस बाइक पे हम लोग दोनों है। रोको 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 थाम्बा। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट हिम? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। पहाड़ को देख करके बोलेंगे और सब राजी खुशी। का सोचे
नहीं लौटेंगे। गलत, बिल्कुल कम आबादी वाली जगह है ये। स्वच्छ हवा अगर आपको कंज्यूम करना है तो, क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक आध बार जरूर कम से कम इस एरिया में आते हैं, फ्रेश एयर को कंज्यूम करते हैं अपने लंग्स में, तभी तो इतने फिट रहते हैं। फिंगर क्रॉस नजर ना लगे। अभी अभी अमन जो था वो हम लोगों को लेके आया था यहाँ पे इस वाले दुकान में जो पीछे बंद दिख रहा है आपको, गाड़ी सर्विस कराने के लिए। इस वाले गाड़ी को हम लोगों को सर्विस कराना था बट अनफॉर्चुनेटली दुकान बंद है। Two hours later. तो गाइस अब शाम हो चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर। इधर हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, इसका गाँव है यहाँ पे, वही मेरा गाँव है, देखिए वहाँ टावर के पास अगर दिखाई दे रहा है तब। और देखिए पीछे हरिओम जैसे आते वक्त अकेले था वैसे ही जाते वक्त भी अकेले है। भाई हाथ हिलाओ। इतना पसीना निकाल के तुम्हारे लिए पकौड़ा बना रहा, तुम इतना देर से आ रहे हो। सी दिस इज भाभी का प्यार देवर के लिए अपने। हाँ बिल्कुल, इतना देर से किससे बात करते, गर्लफ्रेंड से। जा वही बना के पकौड़े देगी। तो ये नहीं समझ में आया कि मैंने फोन कट किया और फिर नीचे आके अरे तो दोनों का सुनना पड़ता है ना, क्या कर सकते। देखिए अब ये पकौड़े मेरे पेट में जाने वाले हैं। बहू रानी के हाथ तक खाए, कैसा लगा? मन एकदम तृप्त हो गया, इसीलिए कर रहे पूजा बहू रानी की जय। सो लेट मी एंजॉय दिस फर्स्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है एंड मुझे लगता है कि ये पकौड़े ठंडे हो रहे हैं। सो गाइज इस वक्त टाइम हो रहे हैं 10 और मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहा आज का मेरा। सो गाइज मैंने सुबह में आपको बोला था कि मैं आपको फेस एक्सरसाइजेस बताऊंगा, तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे एक्टर को देखा होगा ना, बहुत स्लिम होता है उनका फेस और ये जॉ लाइन उनका काफी टाइट होता है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि दे डू अ फेस एक्सरसाइजेस। तो गाइज आज मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीधा बैठना है और उसके बाद अपने गर्दन को ऊपर देखना है ऐसे जैसे कि आप सीलिंग को देखते हैं। उसके बाद जो आपका लोअर लिप है, लोअर लिप को ऊपर करना है, आप देख रहे होंगे ऐसे, ये जो लोअर लिप है उसको ऊपर ऐसे करेंगे। और उसके बाद जब लोअर लिप को हम ऊपर करेंगे, ये दोनों लिप के जो कॉर्नर है उसको हम नीचे की तरफ पुल करेंगे, मतलब आप ये समझ लो कि आपको मुस्कुराना है ऐसे। ये इसको कैसे करना है, ऐसे स्ट्रेट बैठिए, ऐसे कीजिए लिप को ऊपर। आपको महसूस होगा कि यहाँ पे आपके कुछ खिंचाव हो रहे हैं। ये क्या होता है कि आपका जो ये जॉ लाइन है, ये जो नेक का मसल है, ये सारी चीजें खिंचती हैं और ये टाइटन अप होता है, तो आपका ये एरिया काफी ज्यादा शार्प लगेगा। आज दो एक्सरसाइज बताऊंगा मैं। जो दूसरा एक्सरसाइज है वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है कि आपको सीधा बैठना है और गर्दन को ऊपर करना है। गर्दन को ऊपर करने के बाद आपको इसमें बस ये फर्क करना है कि अपने टंग को निकाल करके यहाँ पे टच करना है, नोज पे ऐसे ट्राई करना है कि यहाँ टच करने की कोशिश करें। यहाँ पे पूरा स्ट्रेस होगा और यहाँ पे होगा, यानी आपके ये जो है वो शार्प होंगे और यहाँ से स्लिम अप होगा। तो गाइज ये फेस एक्सरसाइज मैंने आपको जो परफॉर्म करके दिखाया है इसको आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो बस ये है कि आप मैक्सिमम 25-30 सेकंड का टाइम होना चाहिए जब आप इसको होल्ड करके रखो। 3-4 रेपिटेशन लगा सकते हो बट इट इज अप टू यू, अगर आपसे पहले 1-2 रेपिटेशन हो रहे हैं तो 1-2 ही करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा फेस एक्सरसाइज बताने का जो तरीका है वो पसंद आया होगा, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया एक कैमरे को सामने रख के मैं बताया आपको। बाकी अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए होगा तो मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा कौन सा मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहां पे कैसे क्या असर होता है, तो आई विल टेल यू ऑल द थिंग, बट मुझे आपका रिस्पांस चाहिए इसके ऊपर। सो गाइज अभी मैं अपने इस रूम में बैठा हुआ था, बुक पढ़ रहा था और तभी रुद्रु मेरे पास आया है। रुद्रु मुझे कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा? कि दादी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है। क्या बात है भाई, दादी क्यों इसका मजाक उड़ा रही है? मैं जाकर उनको बंद कर दिया। दादी को बंद कर दिया रूम में? आओ चलो। लेकिन फिर से वो आ गई बाहर आ गई। आओ आओ, काहे आप इसकी मम्मी का मजाक उड़ा रही है? आप बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी बुढ़ी हो गई है। बंद कर दीजिए। यस कम ऑन, धक्का दो। हाँ अरे नहीं, कुछ काम अकेले करने पड़ते हैं, ये काम तुम्हें खुद अकेले करना है, तुम्हें अपने राइट्स के लिए फाइट करना होगा। वो वहाँ पे ताला रखा।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक। आप लोगों के बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ये मेरे लिए कम है। बट गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल रहें। भारत माता की जय। टाटा बाय बाय लव लव।